सो है नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सुपर कॉप की वैंस यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो कैसे हैं आप सब। फाइनली मैं अभी घर पे आ चुका हूँ। जी हाँ, तो घर पे आने आते ही मुझे कल रात में एक न्यूज़ मिलने को मिली कि टिकटॉक बैन हो चुका है। जी हाँ, तो यार काफ़ी कुछ सुन के दुख लगा, बुरा हुआ। और जितने भी बड़े बड़े पॉपुलर क्रिएटर हैं टिकटॉक पे, उनका क्या हाल होगा। मैंने टिकटॉक चलाते हुए देखा कि यार जो जो बड़ा बड़ा पॉपुलर क्रिएटर है वो झुक झुक के ये कह रहा है, भाई मेरे इंस्टा पे जाओ, भाई मेरे यूट्यूब पे जाओ, भाई मेरे इंस्टा पे फुल सपोर्ट, यूट्यूब पे फुल सपोर्ट। तो गाइस मेरा कहना ये है ना कि टिकटॉक को बैन करा अच्छी बात है, चलो चाइना का था अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं इसमें कुछ कड़वी बात बोलूँगा। हो सकता हो सरकार इस बात से सहमत हो के टिकटॉक को वापस से ना बैन करे। जी हाँ, असल हुआ क्या, टिकटॉक अभी COVID-19 जब चल रहा था, जो टिकटॉक ने 100 करोड़ रुपए दिए थे, जी हाँ, तो उसके चलते 100 करोड़ रुपए तो टिकटॉक ने दिए थे, लेकिन टिकटॉक को ही बैन करना तो ये गलत बात है, ठीक है। दूसरी बात, अगर चाइना को पूरी तरीके से हटाना है तो ये जो वीवो, ओप्पो, MI, रियलमी जितने फ़ोन सब चाइना के, चाइना को पूरी तरीके से बंद करना है ना तो ये फ़ोन भी सारे बंद करो, ठीक है, तब चाइना का समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। और आज हम लोग के जो घर में 20 से 50% जो चीज़ है ना वो भी चाइना की है, और चाइना से ही सारा माल सपोर्ट होता है हम लोगों को, ठीक है। जितना भी जो भी होता है प्रोडक्ट वगैरह सब चाइना से ही आता है। हम लोग इंडिपेंडेंट कब बनेंगे यार, भाई मेरे, खुद इंडिया को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और सरकार को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरे पे नहीं इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखना जो टिकटॉकर्स हैं, क्योंकि मैं खुद टिकटॉक चलाता हूँ, मेरी खुद टिकटॉक आईडी है, तो लगभग 3000 है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाता उस पर। तो मैं टिकटॉक की बात कर रहा था, तो टिकटॉक बैन हो चुका है। जी हाँ गाइस यार, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, टिकटॉक को बैन। हालांकि टिकटॉक कई बार बैन हुआ है, लेकिन मैं आपको खुशखबरी और रात भरी ये बात बताऊँगा इस वीडियो में कि जो टिकटॉक है वो बैन क्यों नहीं हुआ, क्यों हो गया। जी हाँ, असल में 60 एप्लीकेशन यानी कि 60 एप्लीकेशन बैन किया टिकटॉक ने, जो चीनी है, मतलब जो चाइना से रिलेटेड है, तो उनमें में से काफ़ी सारे नाम आ गया। और दूसरी एक फेक न्यूज़ और फैल रही है कि पबजी भी बैन हो गया। जी हाँ, तो मैं एक बात बोलूँ, पबजी साउथ कोरिया का है तो पबजी बैन नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो टिकटॉक बैन हो चुका है। जी हाँ, तो टिकटॉक यूज़र्स के लिए बहुत बड़ा झटका है, और मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद टिकटॉकर हूँ तो क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो टिकटॉकर्स के लिए एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बात मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। इसी के साथ में मैं हूँ अभिषेक, छोटे से वीडियो में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।